राहुल हसन का जो पॉइंट है या जो उसने बात की है ना, मैं उसको सेकंड करता हूँ। जो हकीकत है उसका सामना करना चाहिए। देखिए, एक पॉइंट ऑफ व्यू से उनकी बात बिल्कुल सही है। जो हकीकत है उसका सामना करना चाहिए। वो इस तरह करना चाहिए कि आप ये देखें कि आपके मुल्क में हो क्या रहा है। आप आपस में तो लड़ रहे हैं, लड़ मर वाला टेक काम चल रहा है, तो उसमें तो कभी भी आपकी तरक्की नहीं हो सकती। वहाँ पे भी ये काम होता है, सियासत में वहाँ पे भी ये चीज़ें चल रही हैं, लेकिन जो भी आता है वो साथ साथ कुछ ना कुछ करने की यानी कि उम्मीद के साथ आता है। लोगों को उम्मीद जो देता है वो आधी चलें पूरी करता है, लेकिन करता है। देखें, एक पॉइंट ऑफ व्यू से उनकी बात बिल्कुल सही है कि हम लोगों को साइंस और टेक्नोलॉजी पे, अगर हम बाकी में अगेंस्ट उनके चल रहे हैं, हर चीज़ में हम उनके साथ अगेंस्ट में जा रहे हैं, हम लोग ये जो जंग या जो भी हम लोग कर रहे हैं अगर उनके अगेंस्ट हैं, तो हमें इस पॉइंट को भी लेके हमें अपने कंट्री को इसको अप करना चाहिए, हमें इस पर मज़ीद इन्वेस्ट करना चाहिए। उन्होंने तो वैक्सीन बना ली है, हम क्या करते हैं? पाकिस्तानी लोग क्या करते रहते हैं? दूसरों के बारे में सोचते रहते हैं। हमारा काम है बस ये सोच रहे हैं कि वो अटैक कर रहे हैं, हम भी अटैक करें। मेडिसिन की तरफ तो हम आते ही नहीं है ना, जिसकी कोरोना इतना ज़्यादा फैला हुआ है। तो इस पे जिस पे फोकस करना चाहिए, लोगों की जानें जा रही हैं, उस पे तो पाकिस्तानी फोकस ही नहीं कर रहे। बात बिल्कुल सही है, वी आर नॉट डूइंग एज मच एज वी कुड एज अ कंट्री, वो उस पर कोई शक नहीं है। लेकिन उनको जो बैकलैश मिल रहा है ना, ये हमारा एक कुदरती मसला है एज अ कॉम। हम क्या करते हैं कि कोई भी पाकिस्तान की कोई भी खिलाफ कोई बात करें, हम समझते हैं कि वो एंटी नेशनलिज्म है। नहीं, यू कैन लव समथिंग एंड बी क्रिटिकल ऑफ इट, ये हम करते रहते हैं। ऑब्वियसली ही वाज राइट कि आपको टेक्नोलॉजी और उस चीज़ में भी इतना पैसा लगाना चाहिए, और यंग जनरेशन में और जितने भी हमारे बेसिक एल्डर भी हैं उसमें इतना अवेयरनेस होनी चाहिए कि उनको पता हो कि कल को आगे जाके फ्यूचर के लिए हमारे लिए क्या ज़रूरी है, ना कि सिर्फ हम लोग इसी पॉलिटिक्स में और उसी में पड़े रहें कि आगे जाके हमारे लिए क्या चीज़ वॉर है, ये है वो है। ये चीज़ में तो आपको पता है वैसे ही नेशनैलिटी में बिल्डअप हो जाती है। साइंस में देखें, उन्होंने इतनी तरक्की की और बाकी चीज़ों में इतनी तरक्की की, हम क्यों उनसे पीछे हैं? हम सिर्फ एक जंग को लेके या इसी ऐसी चीज़ को लेके क्यों पीछे पड़ गए हैं कि हमें उनसे मुल्क को फतह कराना है? हम उनके साथ टेक्नोलॉजी से भी फतह कर सकते हैं, हम उनको अच्छी बातों से भी फतह कर सकते हैं, हम अच्छे लेवल पे उनके साथ खेल सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि एक फ़ाइट ही एक हल है इस चीज़ का। अगर हम इंडिया से मुकाबला करते हैं तो ये भी पस्त दिमागी की निशानी होगी। हमें अगर मुकाबला करना है तो हम और बहुत सी अच्छी नेशंस हैं जिनको फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा हमें अपने निच जो अपने नीच जो है वो क्रिएट करने पड़ेंगे, कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ करनी पड़ेंगी जिसमें हम स्पेशलाइज कर सकें।